दोस्तों ये है ब्रांच इंटरनेशनल लोन एप्लीकेशन। अगर आप यहाँ पर लोन अप्लाई करते हैं तो आपका कम से कम सिबिल स्कोर के ऊपर आपको लोन मिल जाता है। ऐसे में आपको कई बार ऐसा महसूस हुआ होगा कि हमने कई बार लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन तो अप्लाई किया है, लेकिन उसके बाद होता क्या है कि एप्लीकेशन रिजेक्शन देखने को मिलता है। ये एप्लीकेशन के बारे में लगभग सभी को पता है, लेकिन आपके आंखों के सामने यहाँ पर दिखाना चाहते हैं एप्लीकेशन कैसे ये लोन प्रोवाइड कराती है। कम से कम सिबिल स्कोर होने के बावजूद भी ये लोन प्रोवाइड करा देती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन के अंदर ये भी है, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर लोन की रिपेमेंट अगर आपके फ्रेंड करते हैं तो 150 रुपये तक भी आपको यहाँ पर रेफर एंड अर्न पे आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में लोन के अलावा भी और भी यहाँ पर फीचर देखने को मिलेगा, जैसे में कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हाई रिटर्न पा सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर लोन का सेक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 12,500 रुपये की फिलहाल लिमिट्स मिली है। अब ऐसे में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात जब हमने किया है तो फिलहाल अभी देख सकते हैं अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं। खैर बात की बात है, हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लोन के बारे में। अगर आप शुरुआती दौर में लोन लेना चाहते हैं, 2000, 5000, 10000 के बीच का लोन लेना चाहते हैं, आधार पैन के बीच पर लोन लेना चाहते हैं, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि ये पूरे भारत में एप्लीकेशन ये लोन प्रोवाइड कराती है, कहीं भी बैंक ब्रांच विजिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब ऐसे में ज़रूरत पड़ने पे आप लोन का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, बट यहाँ पर ध्यान रखें ज़रूरत पड़ने पे ही लोन लिया करिए, अदरवाइज लोन लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोन की रिपेमेंट करनी होगी वो भी ब्याज के साथ। अब ये RBI रजिस्टर्ड NBFC कंपनी है, तो ध्यान रखिए कि कभी भी भविष्य में लोन अगर लेते हैं तो ऑन टाइम रिपेमेंट करिएगा, अदरवाइज आपकी सिविल ख़राब हो जाएगी, ओवरड्यू होगा, तो ऐसे में 3 महीने के बाद होगा क्या, आपका अकाउंट जो होगा डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अब ऐसे में आप वही करें जो आपको लगे कि हाँ हम लोन की रिपेमेंट करें कर पाएंगे, ये तभी आप लोन के लिए आवेदन करें। अब ऐसे में 12,500 के लिए अगर अप्लाई किया जाए तो यहाँ पर हमें क्या मिल सकता है लोन टर्म, जैसा कि आप देख सकते हैं 62 दिनों से लेकर 180 दिनों तक, यानी 2 महीनों से लेकर 6 महीनों तक का समय देखने को मिल जाएगा। बट आप जितना यहाँ पर दोस्तों कम लोन टर्म चूज करेंगे उतना कम आपका ब्याज लगेगा, इस बात को याद रखिए। लेकिन काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि भाई हमें ज़्यादा समय के लिए नहीं चाहिए, हमें कम यानी 120 दिनों का चाहिए, तो ऐसे में आप देख सकते हैं पूरे 4 महीने तक आपको जो किस्ती रिपेमेंट करना होगा प्रति महीना 3,539 रुपये। प्रोसेसिंग फी प्लस GST आप यहाँ पर देख सकते हैं 1,120 रुपये हमें देखने को मिल रहा है। लोन डिसबर्स होगा 11,380 रुपये, 12,500 का लोन है लेकिन डिसबर्स होगा कितना, 11,380 रुपये। इंटरेस्ट यहाँ पर दोस्तों लगाया जा रहा है 1656 रुपये। टोटल ड्यूज यहाँ पर दोस्तों हो जाती है, जैसे देख सकते हैं 14,156 रुपये, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लग रहा है यहाँ पे। लेकिन देखो लोन मिल रहा है तो आप सोच समझ के लोन्स के लिए अप्लाई करें, क्योंकि एक बैंक के मुकाबले NBFC कंपनियों का ज़्यादा ही इंटरेस्ट चार्जेस होता है, बट बैंक दोस्तों कम होती है, बट वहाँ पर लोन के प्रोसेस भी बिल्कुल अलग होते हैं लोन एप्लीकेशन के मुकाबले। आपको वो लोन इंस्टेंटली नहीं प्रोवाइड कराते, बैंक की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर दोस्तों बात वहीं पर निकल के आती है लोन एप्लीकेशन के बारे में। तो इंस्टेंट लोन मिल तो जाते हैं पर काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लगता है, तो इसीलिए मैं दोस्तों कहता हूँ कि ऑन टाइम रिपेमेंट करिए अगर आप लोन ले लेते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर ही लोन लीजिए। व्यू डिटेल के ऊपर दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर 12,500 का लोन होगा, प्रोसेसिंग फी जो लग रहा है यहाँ पर 949 रुपये लग रहे हैं, GST 171 रुपये, बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट जो ट्रांसफर होंगे 11,380 रुपये होंगे, इंटरेस्ट यहाँ पर जो लग रहा है 1656 रुपये होगा, टोटल अमाउंट ड्यूज हो जाएगा 14,156 रुपये। और यहाँ पर EMI देख सकते हैं, अगर आज के डेट में अगर इस लोन को लिया जाता है तो आपको देखने को मिलेगा 3 दिसंबर को पहला EMI जाएगी 3,540 रुपये, दूसरी EMI 2 जनवरी, और फिर उसके बाद तीसरी EMI जाएगी 2 फरवरी, उसके बाद चौथी जाएगी, आखिरी जो होगी 3 मार्च 2025 को ये लोन ख़त्म होगा। तो देख जितना आप लोन रिपेमेंट करेंगे, जितना लोन टर्म आप रखेंगे उतना ज़्यादा ब्याज आपको भरना पड़ेगा, इस बात को याद रखिए। अगर आप चाहते हो तो आप इसे यहाँ पर 62 दिनों के लिए भी लोन ले सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा कि 6,672 रुपये आपको लोन की रिपेमेंट करना होगा, इंटरेस्ट अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 844 रुपये ही अब लगाए जा रहे हैं इस अमाउंट के अकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग फी प्लस GST 1,160 रुपये यहाँ पर 61 रुपये लिए जा रहे हैं, टोटल आपको लोन की रिपेमेंट करना होगा 13,344 रुपये। तो आप अपने हिसाब से देख लें यहाँ पर कितना आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, बाकी चीज़ें यहाँ पर डिटेल आपके सामने यहाँ पर दोस्तों आ जाती है, तो आप जितने हिसाब से लोन लेना चाहते हो उसके हिसाब से आप लोन ले सकते हैं। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें ये एप्लीकेशन पूरे भारत में लोन प्रोवाइड कराती है, कहीं भी आपको बैंक ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं है,
अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं, लाइव स्टे प्रोसेस देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। हमने पूरा लोन अप्लाई करने का प्रोसेस दिखा रखा है। यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं किसको लोन यहाँ पर प्रोवाइड कराती है। अगर आप यहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट हैं तो भी आप लोन के लिए ट्राई कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या होगा, अगर आपका -1 में सिविल स्कोर है, कभी भी आपने लोन अप्लाई नहीं किया है, तो ऐसे में -1 ही होता है। आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, बट यहाँ पर आधार कार्ड पैन कार्ड तो लगता ही है। अगर आपके रेगुलर इनकम का सोर्स है तो ही लोन अप्लाई करें। एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो या फिर सैलरीड पर्सन, दोनों कैटेगरी में एप्लीकेशन बेहतर तरीके से काम करने वाली है। सिविल स्कोर की अगर दोस्तों बात किया जाए तो कम से कम अगर आपका 600 भी है या फिर इससे ऊपर है तो डेफिनेटली आपको लोन मिल जाएंगे। बट यहाँ पर याद रखें, लोन अकाउंट या फिर लोन डिफ़ॉल्ट आपकी नहीं होनी चाहिए पिछले टाइम जो भी हो। अगर ऐसा पाया जाता है तो लोन रिजेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है, इस बात को याद रखिएगा। बाकी चीज़ें मैंने आपको पूरा तरीका बता रखा है लोन अप्लाई करने का, कैसे आप ले सकते हैं। यहाँ पर 12,500 तक का लोन की लिमिट्स मिली है। मैं यहाँ पर लोन लेकर फिलहाल दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे लोन की फिलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है कैसे लोन के लिए अप्लाई करना और कैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।